हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा या कमेंट में अगर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को मिल सकता है। आ जाएंगे इस वीडियो की मेन अट्रैक्शन में। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर बड़ा गाड़ी दिखाने वाले हैं। इको स्पोर्ट दिखाएंगे, क्रेटा दिखाएंगे, वेन्यू दिखाएंगे, 9 सीटर स्कॉर्पियो भी दिखाएंगे, एक्सयूवी भी दिखाएंगे, डस्टर भी बहुत अच्छा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। मैम हमारे साथ है, प्रियंका मैम कैसे आप? चलो हम अच्छे हैं। व्यूअर्स भी ऑब्वियसली अच्छे होंगे, ऑब्वियसली अच्छे होंगे। पहले वाला वीडियो बहुत अच्छा रिस्पांस था, बिल्कुल। आशा करते हैं इस वीडियो का भी रिस्पांस अच्छा होगा। व्यूअर्स हैं हमारे सपोर्ट में तो ऑब्वियसली होंगे एकदम। और मैम एक बार लोकेशन व्यूअर्स को बता, लोकेशन हलो रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन है, ठीक 6 নম্বর গেটের সামনে আমাদের অফিসটা। ওকে, স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন করে আপনারা আসতে পারেন বা व्हाट्सएप মাধ্যমে কারেন্ট লোকেশন নিয়ে আপনারা আসতে পারেন। ওকে, তো আপ লোগো লোকেশন বাতা দিয়া গয়া, ফির ভি अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिए कारमेट, आप लोगों को लोकेशन मिल जाएगा। अगर और भी दिक्कत होता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, कॉल कर लीजिए तो लोकेशन भेज दिया जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो मेट्रो स्टेशन बता दिया गया, मेट्रो स्टेशन के सामने आके आप लोग कॉल कीजिए तो पिकअप कर लिया जाएगा। मैम फटाफट आ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करके बता रहे हैं आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हो और आज की वीडियो की मेन गाड़ी जो अच्छी लगी आपको कौन सी है। स्टार्ट करते हैं मैम, चलिए मैम आ जाएंगे हम लोग की पहली गाड़ी की तरफ। पहली गाड़ी होने वाली एक डिमांडेबल गाड़ी एंड उसके ऊपर से इसमें एक स्पेशल बात है कि इसमें सीट्स ज्यादा है। कितना सीटर है मैम ये बता दीजिए? 9 सीटर वाली स्कॉर्पियो है, 9 सीटर वाली स्कॉर्पियो है। ये 2021 का गाड़ी है, 2021 की गाड़ी है, 9 सीटर है। 7 सीटर बहुत मिल जाएगी, 8 सीटर बहुत मिल जाएगी, 9 सीटर बहुत ज्यादा रेयर है। 9 सीटर गाड़ी है। कौन सी है मैम? S5 है, 2021 की है, 26 तक टैक्स है। S5 है ओके, और ये सिर्फ 21,000 किलोमीटर चली हुई स्कॉर्पियो 21,000 चली हुई स्कॉर्पियो के हाँ अंदर मतलब कुछ नहीं है। एग्जैक्टली स्कॉर्पियो 21,000 चली हुई है। इसमें बता दूं बम्पर गार्डर मार्केट फिटेड है, ऊपर में लगेज कैरियर फिटेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। S5 है तो सारा फीचर्स भी है, अगेन रेट्रो लुक में मिल रही है। नया जनरेशन बहुत आदमी को पसंद है, बहुत आदमी को पसंद नहीं है, पर ये सबको पसंद है। 9 सीटर है, पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, पावर विंडो मिल जाती है। इंटीरियर में जाइएगा तो सीट कवर भी काफ़ी अच्छी है एंड बहुत 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 स्पेशियस गाड़ी है। टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैम प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे, इसका प्राइस है 12.5 लाख। 12.5 लाख, 12.5 लाख, 12.5 लाख, 12.5 लाख में 2021 की 9 सीटर वाला गाड़ी मिल जाएगा। 21,000 चली हुई हाँ, बहुत अच्छा। कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा व्यूअर्स? इसका डाउन पेमेंट है सिर्फ 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख अगर आपके पास है तो आप लोग ये गाड़ी को लेके जा सकते हो। मैं बता दूं बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा डाउन पेमेंट ज्यादा लग सकता है आप लोगों को, पर गाड़ी क्या मिल रहा है वो भी आप लोग देखिए, सिर्फ 1.5 लाख रुपया में। हम लोग आगे बढ़ेंगे मैम अगली गाड़ी की तरफ। इस बार है फिर से महिंद्रा की, आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पर और एक XUV500 है एंड दोनों ही शायद टॉप मॉडल गाड़ी, दोनों ही टॉप मॉडल है। सबसे पहले और दोनों ही डीजल वर्शन गाड़ी है और दोनों ही डाउन पेमेंट है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। मैम आ जाएंगे पहली गाड़ी की, पहली गाड़ी इसके बारे में बता दीजिए। 2019 की गाड़ी आछे ओके, W10 टॉप मॉडल सनरूफ के साथ है ओके। अच्छा ओनली 63,000 किलोमीटर चला आ चुका है। मैं बता दूं 63,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 2019 की 19 की गाड़ी है। क्या फीचर्स के बारे में बात किया जाए, पूरा सेटअप सबसे पहले चेंज हो चुका है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, DRL मिल जाता है, फॉग लैम्प मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाता है एंड 16 इंच की टायर्स भी मिल जाती है, तो ऑफ रोड के लिए काफी अच्छा होने वाली है। 7 सीटर गाड़ी है, स्पेस भी अच्छा खास है, ऊपर में सनरूफ है। इंटीरियर में जाइएगा तो पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगी और उसके साथ साथ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप वगैरह एयरबैग्स वगैरह तो है ही। महिंद्रा की गाड़ी है तो रफ एंड टफ होने वाली है एंड सीट कवर भी काफी अच्छी है। प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे इस गाड़ी की, এটার প্রাইস আছে 9,20,000 আর শুধু এইটাই নয় এর পাশেও যে আরেকটা এক্সইউভি আছে দেখতে পাচ্ছো এটারও প্রাইস আছে সেম 9,20,000। তো যেটাই আপনারা নেবেন দুটোই 9,20,000 পেয়ে যাবেন। যা আপনাকে লেনে আপনি লোক আ যাইয়ে লেকে যাইয়ে আ যাঙ্গে ম্যাম ইস ওয়ালি গাড়ি মে কোন সি এর কি এটাও আছে ফারস্টেই বলে রাখি 2017 গাড়ি আছে 27 অবধি ট্যাক্স আছে এটাতেও সানরুফ আছে এটাও W10 আছে আর এটা স্পেশালি ডক্টর ড্রিভেন গাড়ি আছে ডক্টর ড্রিভেন তো সারা ফিচারস ভি আ গাড়ি মে উসকে উপর সে ডক্টর ড্রিভেন তো अगेन वेल মেইনটেইনড হ্যায় অরিজিনাল পেইন্ট কি গাড়ি হ্যায় ফিচারস কে বারে মে বাত কিয়া জায়ে अगेन প্রজেক্টর হেডল্যাম্প DRL ফগ ল্যাম্প অ্যালয় হুইল 16 ইঞ্চ কি টায়ার্স কে সাথ ऊपर में अगर देखिएगा तो सनरूफ है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगी। एंड मैम कितना किलोमीटर ड्रिवन बताइए? 67,000 किलोमीटर, 67,000 किलोमीटर ड्रिवन। एंड मैम तीनों गाड़ी फर्स्ट ओनर है, तीनों गाड़ी फर्स्ट ओनर है ओके और तीनों गाड़ी का ही
डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए, और जैसे कि हम बताया दोनों एक्सयूवी का ही दाम है 9,20,000। 9,20,000। और एक चीज मैं पूछ लेना चाहता हूँ मैम, यहाँ से हर एक गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगी? हर एक गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड, और जो कि हम बोल रहे हैं किलोमीटर, वो भी विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ आप आकर चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है। अगली गाड़ी की तरफ चलेंगे मैम, आ जाएंगे मैम हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ। इस बार एक Hyundai की डिमांडेबल गाड़ी, हॉट सेलिंग कार, क्रेटा। क्रेटा, और जैसे कि इसमें है सनरूफ, टॉप मॉडल, A6 ऑप्शनल, A6 ऑप्शनल है, ओके, सनरूफ है, 2018 का दिसंबर का गाड़ी है, ओके, तो टैक्स भी 28 का दिसंबर में ही होगा। 18 दिसंबर की गाड़ी है, 28 दिसंबर तक टैक्स है, टॉप मॉडल गाड़ी है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है, एयरबैग्स है, ABS है, ऊपर में सनरूफ भी है, मतलब पूरा फीचर लोडेड गाड़ी आप लोगों को मिल रही है। कितना किलोमीटर ड्रिवन है मैम ये गाड़ी? ये 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और ये पेट्रोल वर्जन है, पेट्रोल वेरिएंट है, तो स्मूथ इंजन होने वाली है, इजी टू ड्राइव होने वाली है। मैम प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे, प्राइस अच्छे 8,60,000, 8,60,000, तो 8,60,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। एंड कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? डाउन पेमेंट है बिल्कुल जीरो, जीरो, हाँ, ओके, पैसा नहीं देना है। मतलब आप व्यूअर्स सोच रहे थे 1.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है तो क्या 1.5 लाख की होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो 1.5 लाख की थी, पर ये जीरो डाउन पेमेंट में आपको मिल जाएगी। जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। हम लोग मैम अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं, आ जाएंगे अगली गाड़ी की तरफ मैम। इस बार है एक वेन्यू डिमांडेबल गाड़ी, ग्रे कलर की गाड़ी है, बता दीजिए। मॉडल अच्छे S+, S+, ओके, 2022 है, तार जोनो ब्रांड वैल्यू तो अपने पावे, ऑब्वियसली और इटा अच्छे लाइफ टाइम टैक्स पेड गाड़ी, ओके, तो 2022 की है, लाइफ टाइम टैक्स पेड है। फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले DRL मिल जाती है, फॉग लैम्प मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम है, पुश बटन भी है शायद मैम इसमें, एकदम, तो सारा फीचर्स आपको मिल जाएगी इस गाड़ी के साथ। मैम कितना किलोमीटर ड्रिवन? ये सिर्फ 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर चली हुई है, और 22 की गाड़ी है ना, 22 की गाड़ी, 27 तक टैक्स पेड पर होना, नहीं 27 नहीं, लाइफ टाइम टैक्स पेड गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स पेड है, वाओ, सोने पे सुहागा, लाइफ टाइम टैक्स पेड गाड़ी आप लोगों को मिल रही है, वो भी लो ड्रिवन, 13,000 बताया ना, 16,000 किलोमीटर ड्रिवन। प्राइसिंग की तरफ आते हैं, इसका प्राइस है 7,90,000 जीरो डाउन पेमेंट, 7,90,000 जीरो डाउन पेमेंट के साथ। जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है अगर आपको एक वेन्यू चाहिए तो। मैम आ जाएंगे हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ। इस बार है एक अट्रैक्टिव गाड़ी, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को बहुत इको स्पोर्ट दिखेगी, पर ये न्यू शेप इको स्पोर्ट है, फेस लिफ्टेड है, पूरा ग्रिल ही चेंज हो गया है इसका। हाँ। कौन सी ईयर की है मैम? एकदम ये है 2019 की गाड़ी है, 2019 की गाड़ी, 19 की गाड़ी है, टाइटेनियम मॉडल है, ओके, पर ये पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल, तो टाइटेनियम स्पोर्ट्स वेरिएंट में है, पेट्रोल गाड़ी है। फीचर्स के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्रोम में फिनिशिंग मिल जाती है, एंड गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये कलर जो है बहुत अमेजिंग लग रहा है। आप लोग सामने से एक बार आइए, गाड़ी को सामने से एक बार देखिए, फिर आपको पता चलेगा क्या कलर के बारे में बात कर रहा हूँ। DRL मिल जाता है आप लोगों को, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, फॉग लैम्प मिल जाता है, सनरूफ है गाड़ी में, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एयरबैग, म्यूजिक सिस्टम, रियर पार्किंग, कैमरा, EVD, सब कुछ मिल जाता है आप लोगों को डिफॉगर के साथ। मैम कितना किलोमीटर ड्रिवन है ये गाड़ी? ये ओनली 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और इसका प्राइसिंग मैम? प्राइस अच्छे 6,65,000, 6,65,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी, एकदम ही मिंट कंडीशन की गाड़ी है। जरूर चेकआउट कीजिएगा, एंड डाउन पेमेंट इसका डाउन पेमेंट सिर्फ 60,000 सिर्फ 60,000 देने से ये इको स्पोर्ट्स मिल जाएगा, और भी एक इको स्पोर्ट्स है जो कि हम दिखाएंगे, अगले दिखाएंगे, वो भी 60,000 में मिल जाएगा, उसको देख लेते चलिए। हाँ। तो मैम आ जाएंगे हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ। इस बार है फिर से इको स्पोर्ट, ऑलरेडी हम लोग एक देख चुके हैं, एकदम बहुत ही अच्छे कलर में, इको स्पोर्ट का अलग ही डिमांड है, अलग ही फैन बेस है, बता दीजिए। आगे इको स्पोर्ट से दिएछिलाम पेट्रोल वेरिएंट, एटा जाच्छे डीजल वेरिएंट, डीजल, डीजल में तो सबसे पहले माइलेज बता दूं आप लोगों को, 17-18 की माइलेज आप लोगों को मिल जाएगी इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ। और कौन सी वेरिएंट में मैम? एटा अच्छे टाइटेनियम प्लस, टाइटेनियम प्लस, टाइटेनियम प्लस है, मतलब सारा फीचर्स भी मिल जाएगी, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी, पावर विंडो मिल जाएगी, पहले वाले में आप लोगों को सनरूफ मिल रही थी, इसमें सनरूफ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट सारा कुछ, सब कुछ मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एयरबैग्स, अच्छा खासा सीट कवर भी मिल जाएगी गाड़ी में। कितना किलोमीटर ड्रिवन है मैम? एटा अच्छे 57,000 किलोमीटर ड्रिवन, 2017 गाड़ी, 2700 टैक्स, तो 57,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 2017 की 27 तक टैक्स पेड, अगेन फर्स्ट ओनर गाड़ी है,
और मैम इसके प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे। इटर प्राइस अच्छे 5,65,000, 5,65,000 में कोई ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। सामने का लुक देख लीजिए, पूरा क्रोम मिल जाता है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर एक इको स्पोर्ट चाहिए 5,65,000 में आपको मिल जाएगी, कारमेट की तरफ से जरूर चेकआउट कीजिएगा। हम लोग अगली गाड़ी की तरफ मूव ऑन करते हैं। आ जाएंगे हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ। इस बार डस्टर फिर से बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है, रेनो की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी। एंड रेनो आया था डस्टर के वजह से, छाया था डस्टर के वजह से। डीजल वर्षन है डस्टर, एकदम टॉप मॉडल है, 110 PS। वाओ, मतलब आप लोग कहीं पर भी लेके चला सकते हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन मिल जाएगी आप लोगों को। एंड इसमें शायद सिक्स गियर बॉक्स नहीं, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इजी टू ड्राइव होने वाली है, आप लोग कहीं पर भी लेके जा सकते हो, बहुत अच्छी गाड़ी है। एंड मैम ये पेट्रोल की डीजल है, डीजल वर्षन है, डीजल वेरिएंट है, तो अच्छा माइलेज भी मिल जाएगी आप लोगों को। फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, लाइट का डिजाइन चेंज हो चुका है। मैम कौन सी ईयर की है? 2019 गाड़ी। वाओ, 2019 की गाड़ी है दोस्तों, 2019 की अपडेटेड मॉडल है, 24 तक टैक्स है। टायर्स आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छी कंडीशन की है, अलॉय व्हील्स है ब्लैक कलर की। मैम कितना किलोमीटर ड्रिवन है? ओनली 35,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर ड्रिवन है। अच्छा मैम एक चीज बता दीजिए, कौन सी वेरिएंट में? ये है RXS। RXS तो बहुत ही अच्छा है, न्यू एकदम टॉप मॉडल है। इंटीरियर में जाइएगा तो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम है, सब कुछ मिल जाएगी। मैम प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे इसका। इटर प्राइस अच्छे 5,95,000, 5,95,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। इटर अच्छे जीरो डाउन पेमेंट है, अगेन बहुत ही अच्छा है, ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही है 5,95,000 में, वो भी डस्टर। हम लोग अगली गाड़ी की तरफ चलेंगे। मैम आ जाएंगे हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ, मतलब यहाँ पर पूरी बड़ी गाड़ी भरी हुई है। आ जाएंगे ब्रेजा की तरफ, मारुति की गाड़ी है, डिमांडेबल गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है, एंड उसके ऊपर से कलर भी अमेजिंग है। अरे इटा अबर डीजल वर्षन है गाड़ी, डीजल वर्षन एंड डबल टोन कलर है, तो ZDI टॉप मॉडल, ZDI प्लस है। एक्जेक्टली ZDI प्लस। कौन ईयर गाड़ी? 2019 गाड़ी আছে, 78,000 किलोमीटर ड्रिवन আছে, 2019 की गाड़ी है, 24 तक टैक्स है, 78,000 किलोमीटर ड्रिवन है। अगेन ये सब गाड़ी के लिए मैटर नहीं करता है दोस्तों। गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, DRL मिल जाता है, फॉग लैंप है, गाड़ी में अलॉय व्हील्स है, वो भी ब्लैक कलर की, काफी अच्छी लग रही है, स्पोर्टी लुक दे रही है गाड़ी में। इंटीरियर में जाइएगा तो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम है, एंड सीट कवर भी अमेजिंग कंडीशन की है। प्राइसिंग की तरफ आ जाए, इटर प्राइस अच्छे 6,80,000, 6,80,000, 6,80,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। पैन इंडिया कहीं से भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग आ सकते हो। मैम कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? इसका डाउन पेमेंट है पूरा जीरो। और सिर्फ इसी का ही नहीं, इसके साथ देखो और एक ब्रेजा है, एग्जैक्टली ये भी जीरो डाउन पेमेंट पे है, ये भी ZDI प्लस है, और ये भी डीजल वर्शन है, मतलब दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर ऑप्शन अलग, कलर ऑप्शन अलग। कौन सी ईयर की है मैम? ये है 2017 की गाड़ी, ओके, 27 तक टैक्स है, और ये चली हुई है 67,000 किलोमीटर, ओके, तो 17 की गाड़ी है, 27 तक टैक्स है, 67,000 किलोमीटर ड्रिवन है, ये भी है ZDI प्लस, डबल टोन कलर है, इसमें भी नीचे ग्रे ऊपर में ब्लैक, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नीचे फॉग लैम्प, अलॉय व्हील्स, अगेन इसमें सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स है, काफ़ी अच्छी लग रही है। सामने क्रोम फिनिशिंग है, एंड आपको बता दूँ ब्रेजा की डीजल वेरिएंट में 15-16 की माइलेज सिटी कंडीशन में है, 18-19 की माइलेज हाईवे में है, तो अच्छी माइलेज आप लोगों को मिल जाएगी। इंटीरियर में जाइएगा तो फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी है, एयरबैग्स वगैरह तो दोनों ही गाड़ी में है। मैम प्राइसिंग में आ जाए, इटर प्राइस अच्छे 6,50,000, 6,50,000, 6,50,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। एंड उसका कितना बताया मैम प्राइसिंग? 6,80,000, 6,80,000, तो 2019 की गाड़ी चाहिए तो वो ले सकते हो, 2017 की गाड़ी चाहिए तो ये ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हम लोग आ जाएंगे अगली गाड़ी की तरफ, जो कि अगेन एक डिमांडेबल गाड़ी होने वाली है, अर्टिगा। इंडियंस की फेवरेट, 7 सीटर है कि 8 सीटर है? 8 सीटर गाड़ी है, पर पेट्रोल वर्जन है, पेट्रोल है, तो अगेन स्मूथ गाड़ी होने वाली है, एक भी साउंड नहीं मिलेगी गाड़ी में, इतना ज्यादा स्मूथ होती है गाड़ी। VXI मॉडल आचे, 2017 गाड़ी, 27 शब्द टैक्स आचे, अच्छा, और ओनली 57,000 किलोमीटर ड्रिवन है। 17 की गाड़ी, 27 तक टैक्स पेड, 56,000 किलोमीटर ड्रिवन, मिंट कंडीशन की गाड़ी है। आप लोग देख लीजिए फीचर्स अगर बताया जाए तो सब कुछ मिल जाता है। बेस्ट पार्ट है कि एनिवर्सरी एडिशन में है, तो एक अच्छा एडिशन, मतलब यूनिक गाड़ी मिल रहा है स्टिकरिंग के साथ। का प्राइसिंग कितना रहने वाला है? इसका प्राइसिंग अच्छा है 5,80,000, 5,80,000, तो 5,80,000 में ये वाली गाड़ी मिलेगी। एंड प्राइसिंग के साथ साथ डाउन पेमेंट भी बता दीजिए, ओनली 75,000, तो 75,000 बस देना है, गाड़ी को लेके जाना है। पैन इंडिया कहीं से भी देख रहे हो, बिहार, झारखंड, कश्मीर,
कन्याकुमारी कहीं से भी देख रहे हो, आ जाओ गाड़ी को लेके चले जाओ, क्योंकि ऐसा गाड़ी ज्यादा मिलती नहीं है, बहुत ही मिंट कंडीशन की गाड़ी है। अगली गाड़ी में आ जाएंगे मैम, कलर प्राइस सेम सेम आछे, एग्जैक्टली दुटोई किन्तु डीजल वर्शन ही आछे, बट एटा आछे RXZ मॉडल। RXZ ओके, कौन सी ईयर की मैम? एटा 2017 गाड़ी, एटाओ किन्तु ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक अगेन दोनों ही आपको ऑटोमेटिक मिल रही है, बस ईयर का डिफरेंस है, वो आप लोगों को मिल रही है 2019 की, ये है 2017 तक टैक्स पेड। अगेन ये भी टॉप मॉडल गाड़ी है, सारा फीचर्स मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है गाड़ी में, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है गाड़ी में, एंड सीट कवर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। दोनों ही गाड़ी में आप लोगों को रूफ रेल्स मिल जाती है, टायर्स की कंडीशन भी दोनों ही गाड़ी में अच्छी है। इसमें आप लोगों को ब्लैक कलर की अलॉय व्हील्स अगेन फिर से मिल जाती है। मैम कितना किलोमीटर ड्रिवन है ये? 60,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर ड्रिवन, तो 60,000 किलोमीटर ड्रिवन होने वाली है। 17 की है, 27 तक टैक्स पेड। प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे मैम, इसका प्राइस है 6,25,000 जीरो डाउन पेमेंट, 6,25,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी, 6,25,000 जीरो डाउन पेमेंट के साथ ऑटोमेटिक गाड़ी। जरूर चेकआउट कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो ले सकते हो। हम लोग अगली गाड़ी की तरफ चलेंगे, अगेन फिर से एक डिमांडेबल गाड़ी होने वाली है दोस्तों, अर्टिगा। एक हम लोग दिखा चुके हैं और एक है मेरे सामने, और ये डॉक्टर ड्रिवन गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। और पहले वाला जो अर्टिगा दिखा वो पेट्रोल वर्शन का था, इसके ये वाला लेके आए डीजल वर्शन का। ये डीजल है ओके, तो डीजल वेरियंट में बता दू 17-18 की माइलेज है सिटी कंडीशन में, बाहर जाइएगा तो 23-24 की माइलेज मिल जाएगी आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छा माइलेज है। कौन सी वेरियंट में? VTI मॉडल आछे 2018 गाड़ी, ओके 68,000 किलोमीटर ड्रिवन है। सब कुछ है, एयर बैग्स भी है। इनफैक्ट मैम प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे इस गाड़ी का। प्राइसिंग, इटर प्राइस अच्छे 7,35,000, 7,35,000 में आप लोगों को ये वाली अर्टिगा मिल जाएगी। इटर डाउन पेमेंट तो अच्छे 75,000 बस आपको देना है, ये गाड़ी लेके जाना है, घर जाना है बेसिकली। जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर एक अर्टिगा चाहिए तो। तो मैम इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ी देखे, और भी बहुत सारी गाड़ी आती रहेगी, हम लोग की वीडियो भी आती रहेगी। क्या करना है उसके लिए? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। कारमेट की वीडियो देखने के लिए हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैम आ जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ। आप पहले से ही बता रहे हैं कि यहाँ से जीरो डाउन पेमेंट में गाड़ी मिल जाता है, ऑल इंडिया लोन के साथ मिल जाता है। टाइम कितना लगता है? टाइम तीन दिन के अंदर लोन हो जाएगा। ओके, एक दिन में भी लोन हो जाएगा अगर आपका सिविल, आपका सारा डॉक्यूमेंट अपडेट हो, ठीक ठाक हो, तो एक दिन में भी हम लोग कर देंगे। ओके, तो अगर आपका सिविल अच्छा हुआ तो 3 दिन के अंदर हो जाएगा, 3 से 4 दिन ही लगता है। बाकी आप लोग आ सकते हो, प्रोसेस बहुत सारा डिपेंड करता है पेपर वर्क के ऊपर। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो बहुत फटाफट भी हो जाता है। मैम और एक चीज पूछ लेता हूँ, यहाँ से NOC वगैरह तो सब कुछ मिल जाता है? NOC वगैरह एकदम डायरेक्ट कोरियर के थ्रू घर पे मिल जाएगा। ओके, तो मैम इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। बहुत अच्छा था कलेक्शन, अगर व्यूअर्स आते हैं तो थोड़ा नेगोशिएट कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए कारमेट पे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, थैंक यू।